तुम यहाँ पर? रामू पानी लेकर आ। पानी पी लिया मैंने। तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी, मिलने का मन किया तो सोचा आ जाते हूँ। 4 साल पहले तो तेरा मिलने का मन नहीं करा, ये बता क्या खाएगी? कुछ नहीं, वो बस कुछ बात करनी थी इसीलिए आई हूँ। हाँ बोल। कुछ नहीं, छोड़, तुझे लगेगा कि अपने दुख में याद कर लिया। तान्या, तू आज भी वही तान्या मेरे लिए जो 4 साल पहले थी, बता क्या हुआ? चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, डॉक्टर ने बोला है। लेकिन तान्या, 15 लाख कहाँ से आएंगे? तुम इतनी टेंशन मत लो, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि हम लोन करा सकते हैं। तान्या, लेकिन पहले ही घर का कार का लोन चल रहा है, और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने बोल दिया ना, तुम इतना मत सोचो, मैं करती हूँ कोई इंतजाम। बस इतनी सी बात, तू डॉक्टर का नाम बता। डॉक्टर नवीन। अपने डॉक्टर नवीन? रुक वरुण, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगी। अरे तू 2 मिनट रुक ना। ओके, ये ले, हो गई बात, कल से ट्रीटमेंट शुरू। थैंक यू सो मच। अरे डोंट वरी यार, मैं पैसे वहां पर सबमिट करा दूंगा। तू ये बता, तू खाएगी क्या? तेरे को मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा बिल्कुल? इधर देखना। अबे यार क्यों बांध रही है, सब नहीं लग रही मुझे किसी की नजर, मत बांधना यार। तू तो थोड़ी देर शांत नहीं रह सकता यार? लेकिन ये तू बांध ही क्यों रही है? तुझे पता है ये क्या है? हाँ, एक काला धागा। स्टूपिड, ये सिर्फ कोई काला धागा नहीं है, ये मैं इसलिए बांध रही हूँ ताकि तू ना मुझसे कभी दूर ना हो सके। अच्छा जी। और ना ये कभी उतरना नहीं चाहिए, वरना। वैसे सच से बता, तू ये सब YouTube से देख के आती है ना? फिर बोल रहा है तू। अबे तू यार, ये धागा बांध या ना बांध, मैं तेरे से कहीं दूर नहीं जाने वाला और ना तुझे जाने दूंगा। ये धागा तूने अभी तक पहन रखा है? मेरे किसी अपने ने बोला था कि इसको पहन के रखियो, तू मेरे से कभी दूर नहीं जाएगा। अब बताओ, ये और मैं तो यही है, वो चलेगी? वरुण, मेरी कुछ मजबूरी थी यार। छोड़ना यार, तू ये बता कि तू कैसी है? वेट, उनका कॉल आ रहा है, एक मिनट। हेलो तान्या, कहाँ हो तुम? हेलो तान्या। आ रही हूँ, वो बस दवाइयाँ लेने आई थी। ठीक है वरुण, मैं चलती हूँ। सुन, कल तेरे को मैं हॉस्पिटल के बाहर ही मिलता हूँ। नहीं तू मत आना। मैं आऊंगा, मैं भी तो देखूं कि किस्मत वाले होते कैसे हैं।
वरुण तूने क्यों मारा उसे? अबे जब तूने एक बार उसे मना कर दिया कि हरकतें मत कर उसके बाद भी हरकतें कर रहा है। वरुण वो मेरा दोस्त है। मतलब मेरी बंदी, मेरे ही सामने वो तेरी कमर में हाथ डाल रहा है। अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत कर, घर चलते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। वरुण तूने मार लिया ना उसे, अब शांत हो जा यार। अबे ऐसी दोस्त है क्या तेरी? अच्छा ठीक है, हम सॉरी, मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है, उसकी परछाई भी ना बड़े तेरे पे, उसे समझा दियो अच्छे से। अच्छा ओके ठीक है, अब तू शांत होगा प्लीज। ओ हाँ तान्या, ये कौन है? मैं तान्या का दोस्त, उसने आपके बारे में बताया तो बस मैं ऐसी मिलने आ गया आपसे। अच्छा तान्या, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ, ठीक है? तुझे मना किया था ना मैंने कि मत आना? मैंने भी तो तेरे से बोला था कि मैं भी तो देखूं कि किस्मत वाले कैसे होते हैं, आज देख भी लिया। इसके साथ देखकर बहुत खुशी मिली होगी ना तुझे? हाय, मेरी खुशी के बारे में तो छोड़, लेकिन तुम दोनों अच्छे लग रहे हो। खैर छोड़, तुझे क्या ही बताऊं, मैं तो तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। ये सब बातें छोड़, डॉक्टर को सारे पैसे दे दिए हैं मैंने, ठीक है? आराम से ट्रीटमेंट कराओ और कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बोल दियो। थैंक यू सो मच वरुण। थैंक यू की कोई बात नहीं है, और हाँ ये मत सोचियो कि किस्मत हमें दोबारा मिला रही है, हमारे रास्ते बहुत अलग है, ध्यान रखियो उसका और अपना भी। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। सॉरी वरुण, माफ कर दे यार। यानी कि घर वालों ने इतना बोल दिया, या तो ये या तो हम। हाँ वरुण, सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। सही कहा तुमने, मुझे पता था कि यहाँ पर दिल दुख नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने प्यार किया तुमसे। वरुण ऐसे मत बोल यार। हम लड़कों को ना, तुम लड़कियों से सिर्फ एक होप होती है, हमें पता है कि ये होप टूटेगी, उसके बाद भी हम उस होप में जीते हैं। वरुण तू छोड़ यार, मुझे कुछ नहीं समझना, मत समझा मुझे, तू जा सकती है यहाँ से। विस्की। हाय, अंदर बैठो। क्या बात है, विस्की है या कुछ? अभी अभी वोट का खत्म किया तो विस्की के कुछ थे, तो मैंने सोचा ये भी खत्म कर दूं। अच्छा तो मेरे जाने के गम में स्टार्ट कर दी क्या? नहीं, अब कोई रोकने वाला नहीं है ना, इसलिए शुरू कर दी। ये नशे ना तेरे ऊपर सूट नहीं करते। तुमसे है मोहब्बत तो मैं कैसे छोड़ दूँ, तेरे जाने के बाद इसने मुझे संभाला है, मैं इससे कैसे मुंह मोड़ दूँ। अच्छा शायर भी बन गया है तू? एक बार आशिकी करके देखो, या तो आबाद कर देगी या फिर बर्बाद कर देगी। वैसे कल से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी बात है, मेरे साथ तूने अपनी जिंदगी बिताने का सोचा था और आज देख कोई और मेरी जिंदगी है, और तूने आज उसी की जिंदगी बचाई है। एक बार भी नहीं सोचा कि मना कर दूं। तान्या, जो ये प्यार होता है ना, ये ना एक ब्लड कैंसर की तरह होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, और वो प्यार आज भी तुझसे है। अब तू एक चीज देखना, तुझे अपने हस्बैंड से प्यार है, जब भी तो तू मेरे पास बैठी आज यहाँ।
वरन उसके लिए प्यार तो नहीं पर एक रिस्पेक्ट जरूर है। एक छत के नीचे अगर दो लोग रहते हैं ना तो अच्छे अच्छे को प्यार हो जाता है। तेरे दिल में बहुत कुछ है ना, सामने बैठी हूँ, सब कुछ निकाल दे आज। इस हंसी के पीछे तो दर्द है ना, अगर ये आपको पता लग गया तो कहीं तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास ना आ जाओ। वरुण मैं जानती हूँ कि मेरी गलती थी वो। छोड़ यार। अच्छा वैसे सुनने में आया कि तूने अभी तक शादी नहीं करी। यार अभी तक ना तेरे ऐसे कोई मिली नहीं, एक बार मिलने दे। यानी कि तू शादी ही नहीं करेगा, ये पागलपन है। सबको पागलपन लगता है लेकिन अगर तू मेरी नजर से देखेगी ना तो तुझे प्यार दिखेगा। चल ठीक है मैं चलती हूँ, और हाँ जल्दी तेरे पैसे लौटा दूंगी। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, कुछ मेरी भी तो यादें तेरे पास रहनी चाहिए।